भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सिल्क सिटी में लोगों को सांस लेने पर संकट बरकरार है। हवाई गुणवत्ता खराब होने के कारण सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सिल्क सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार हो गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पिछले 3 दिनों में हवाई गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, लिहाजा लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान में लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद से काफी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड मैदान में बहुत ही कम संख्या में मॉर्निंग वॉकर पहुंच रहे हैं। भागलपुर के चिकित्सक भी अब बुजुर्गों और बच्चों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर के लोग भी यह कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण से बचाव को लेकर सामाजिक स्तर पर पहल किए जाने की जरूरत है। चीजें जो प्रदूषण है वो इनएविटेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप 2-3 कारण है यहाँ। एक तो जो पुराने विंटेज की गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो खान पान के लिए जो सामग्री यूज़ करते हैं, जिसमें कोयले का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें हैं, इनको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं भी यहाँ खड़ा होकर के दोष दे रहा हूँ दूसरे को, रादर देन वो अगर मैं खुद शुरुआत करूं अपने लेवल से कि मेरे हिस्से का जो काम है, जो प्रदूषण जो ना हो, वो मेजर्स अगर मैं लूं, अगर मैं जागरूक करूं लोगों को बताऊं कि क्या क्या कारण है जिसके से आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है, एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर की तरफ जाए, जो ब्लॉक लेवल पे हो, मोहल्ला लेवल पे हो, घरों में हो, बच्चों को जागरूक करें। तीसरी चीज़ है कि इसको अवॉइड करना है। अब जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जब फॉग होता है और ये धूल और जो धुएं का कण है उससे मिलकर के स्मॉग बनाता है, जो हवा को भारी करता है, वो नीचे लेवल पे होता है, जो आप जब ब्रीथ करते हैं वो चीज़ अंदर जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब धूप निकलता है तो ये जो वायु में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, कारण ये होता है जो फॉग होता है वो मेल्ट होता है और ये फिर कण उसमें कम हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि धूप निकलेगी तो विटामिन डी से भी आपको फायदा होगा। और तीसरी चीज़ है कि बुद्धिजीवी लोग आते हैं सैंडिस कंपाउंड में बैठते हैं, एक गोष्ठी होनी चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, एक सिंपोजियम होना चाहिए, वॉक द टॉक होना चाहिए, लोगों को इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, जहाँ पे इसके बारे में जागरूक करें कि आप किस चीज़ को कैसे ना फैलाएं, कैसे रोकें। गाँव में जाकर के, शहरों में ये चीज़ होती है, लोगों के अंदर उतनी जागरूकता है, लेकिन गाँव में कम है, चूँकि वहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है। इसलिए बहुत बढ़ गया है, ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। तो इस जिसकी वजह है कि इतनी सारी मशीनरीज और इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स का डेवलप होना, तो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है भागलपुर के लोगों को? भागलपुर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब जब अगर मैं व्हीकल्स की बात करूँ तो बहुत सारा व्हीकल्स हो गया है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ठीक नहीं है, रोड्स नहीं है, तो जहाँ पर रोड्स नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी रहेंगी रोड पर, तो पॉल्यूशन होगा ही। तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। और डेफिनेटली सैंडिस कंपाउंड में अभी हम हैं, तो सैंडिस कंपाउंड इज़ अ बून फॉर भागलपुरियंस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लोगों को निजी तौर पर भी अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सब मिलकर इसको मतलब ध्यान देना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। हम बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, वहाँ पर देखता हूँ मैं रोड्स पर मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये सैंडिस कंपाउंड के आसपास आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, बट आप अगर शहर में बीच शहर में चले जाएंगे, मार्केट एरिया में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई प्लांटेशन नज़र नहीं आएगा। लोगों को मिलकर ज़रूर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। राज्य स्तर पर नशा मुक्ति दिवस का आयोजन गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन पटना में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अभिभाषण की लाइव स्ट्रीमिंग भागलपुर के टाउन हॉल स्थित सभागार में दिखाई गई, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। फिर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने अपना अभिभाषण दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के किलकारी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नशा मुक्ति दिवस पर अभिभाषण लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार के अलावे कई वरिष्ठ पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। दिवस है जो शराबबंदी का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 से शुरू किया है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ करके राज्य सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी तरह का नशा, हम लोग सब लोग जानते हैं कि नशा करना न उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, न उसके परिवार के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छी बात है। तो सब लोगों को ये बेहतर प्रयास करना चाहिए कि जो एक ये महत्वपूर्ण सामाजिक काम है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा सकें। अगर अभी भी आप लोग कहीं देखते हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने भी अपील की है कि कोई अवैध रूप से किसी तरीके से शराब का या नशे का सेवन कर रहा है तो टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। उसमें पटना पर एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है और उसमें पुलिस और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी कर्मी कार्रवाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सतत जीविकोपार्जन योजना की स्कीम है, जिसमें अत्यंत निर्धन परिवार जो पहले शराब के काम से जुड़े हुए थे उनको उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार 2 लाख तक की मदद करती है। और गव्य विकास की स्कीम हो, कृषि विभाग की हो, उद्योग विभाग की हो, जीविका के माध्यम से लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि अभी भी जो लोग अत्यंत निर्धन हैं और चोरी छुपे ये काम करते हैं उनको हम लोग उससे बाहर ला करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन भी हुआ था वाद विवाद चित्रकारी ये सब का, तो बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे जीविका की दीदियाँ आई। गुरु नानक जयंती के मौके पर भागलपुर में गुरुद्वारा से झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। गुरुद्वारा समिति के उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह ने कहा कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर पिछले 4 दिनों से प्रभात फेरी निकाली जा रही थी और आज गुरुद्वारा परिसर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए पुनः गुरुद्वारा परिसर में समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कल गुरुद्वारा परिसर में भजन का कार्यक्रम किया जाएगा। भजन कार्यक्रम के उपरांत लंगर का आयोजन होगा, जिसमें भागलपुर शहर के अलावे शहर के आसपास के जिले के भी लोग इस लंगर में भाग लेंगे। सबसे पहले हमारा भागलपुर में 4 दिन से हमारा प्रभात फेरी निकल रही थी गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर, और आज जो है हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी आपका घंटाघर होते हुए आपका खलीफा बाग से साइकिल पट्टी से होते हुए भराठी चौक होते हुए गुरुद्वारा परिसर में पहुँचेगी, और रात का जो है भव्य मतलब हम लोग का जो कीर्तन का प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा ये गुरु का लंगर अटूट रहेगा और हमारे श्रद्धालु जो है कटिहार से, पूर्णिया से और काढ़ागोला से वो लोग पधार चुके हैं, शोभा यात्रा के साथ वो लोग रहेंगे। नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व आज द्वितीय दिन आप लोग देख रहे हैं। ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकल चुकी है और इस कार्यक्रम में पंच प्यारे की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भजन करते हुए गुणगान करते हुए ये पालकी शोभा यात्रा निकल चुकी है, और गुरुग्रंथ साहब की अगुवाई में ये गुरुद्वारा परिसर से निकलकर घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, उसके बाद पूरा खलीफा बाग चौक, स्टेशन चौक, दबा पट्टी होते हुए स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा की ओर प्रस्थान करेगी। नगर कीर्तन की शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं कई जगह से श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं, कटिहार से, पूर्णिया से, इसके अलावा गाजे बाजे के साथ बाबा की जाखों की पालकी निकाली जा रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम
कर रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन अपने उद्गार को लोगों के बीच प्रकट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में भी कई जगहों पर इसको लेकर नशा मुक्ति दिवस के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ कई संस्थाओं के द्वारा भी शहर में कई जगह लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से निकली जागरूकता रैली रानी लक्ष्मीबाई चौक आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अपने हाथों में नशा मुक्ति को लेकर लिखी हुई स्लोगन का बैनर लेकर खूब नारे लगाए। नशा मुक्ति दिवस पर लोगों से अपील करते दिखे। भागलपुर के कई वरीय अधिकारियों ने भी रैली में हिस्सा लिया और लोगों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी। जानकारी है कि 26 नवंबर को पूरे राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक विशेष दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हरेक जिला में प्रभात फेरी निकाला गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पटना में कार्यक्रम जिसका लाइव टेलीकास्ट हरेक जिला में किया जा रहा है। भागलपुर जिला में टाउन हॉल में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और वहाँ पर सभी सरकारी स्कूल के बच्चे, कुछ जो भी शहर के प्रबुद्ध जन है या आम नागरिक हैं, साथ ही साथ जीविका की जो दीदियां जुड़ी हुई हैं, वे सभी मौजूद रहेंगे ताकि सभी लोग को नशा मुक्ति के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और आप जान रहे हैं आज नशा मुक्ति दिवस है और समाज में यद्यपि ऐसे कि शराब हमारे बिहार में बंद है लेकिन अन्य प्रकार की नशाओं का ये उपयोग समाज में जो जागरूक लोग नहीं हैं वो करते हैं। तो नशा मुक्ति दिवस मनाने का ऐसे किए है कि न केवल शराब बल्कि जितनी प्रकार के नशीली पदार्थें हैं उसका सेवन हम लोग ऐसे कि समाज के लोग ना करें और ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि ये काफ़ी हार्मफुल है, ना केवल ऐसे परिवार के लिए समाज के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है नशा का उपयोग करना। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली गई है सर? ये रैली अभी ऐसे कि यहाँ से निकलेगी आपका ये पीर बाबा चौक होते हुए कमिश्नर साहब का और कार्यालय के सामने से आदमपुर होते हुए टाउन हॉल हम लोग जाएंगे और वहाँ पर फिर ऐसे कि सीएम साहब की प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे टाउन हॉल में देखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। सर ऐसे भी आप आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा हम लोग? अब मैं बता दूँ अपने मेरे तरफ से आप कहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ना तो किसी प्रकार का नशा करता हूँ ना मैं ऐसे कि चाय तक नहीं पीता हूँ। तो मैं यह कहूँगा कि जिस तरह से मैं ऐसे कि किसी प्रकार का नशा का उपयोग नहीं करता हूँ, ना केवल बच्चे बल्कि समाज के ऐसे कि अन्य लोग ऐसे कि इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वाधान में एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला जज प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला जज द्वितीय मनोज कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी भागलपुर के प्रतिनिधि एडीएम महफूज आलम, अपर लोक अभियोजक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में भागलपुर जिला के सभी न्यायिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के तथा संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद प्रस्तावना पाठ का पठन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर राजेश नारायण सेवक पांडे ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हम मानवीय मूल्यों के लिए कहां से चले थे, कहां तक पहुंचे हैं और कहां जाना है। हमें संविधान में दी गई कानूनी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का मंच संचालन रमन कर्ण द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिपिक श्रीमती तुलिका कुमारी, प्रदीप कुमार, व्यवहार न्यायालय भागलपुर के कर्मी, पैनल अधिवक्तागण, पारा विधिक स्वयं सेवक के अन्य कर्मी की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि संविधान के बारे में जाने, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को भारत की जनता के द्वारा एडॉप्ट किया गया था जो है, तो उसी के उपलक्ष्य में विधिक कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो है, और आज विधिक दिवस भी है जो है। और इसके साथ साथ एक और उपलब्धि है आज की जो है कि अंबेडकर साहब का 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है बतौर लायर के रूप में जो है, तो इसी संदर्भ में प्रोग्राम किया गया था जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब आए थे, एडी यमन सर थे, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और पीएलवी और बार के मेंबर पीपी साहब
और LHDCS के जो सदस्य थे ये उपस्थित थे जो है। सर आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम इस विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका एक उद्देश्य है कि संविधान दिवस मनाना। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मतलब कितना उद्देश्य हम इसको प्राप्त कर चुके हैं और क्या क्या संघर्ष है इसके विषय में भी लोगों को जानकारी देना कि हमारे समक्ष किस तरह के प्रॉब्लम्स है, उसको क्या सॉल्यूशन करेंगे। इसी से रिलेटेड विधिक सेवा प्राधिकार उसके सचिव और हमारे विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उसके अध्यक्ष हैं, DM साहब उपाध्यक्ष हैं, मेंबर SSP साहब हैं और हम लोग जितने पदाधिकारीगण हैं, जो न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उसमें कैसे हम लोग जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो न्यायिक पदाधिकारी हैं वो स्पेशली किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम करते हैं, लेकिन जो विधिक सेवा प्राधिकार है जो अलग से विंग है, जो नालसा और बालसा के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर है वो काम कर रही है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज समिति विस्तार का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया, जिसमें काफी संख्या में इस संस्था से लोग जुड़े। अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमारी संस्था सड़क दुर्घटना, गंगा में डूबते लोगों को बचाना के साथ साथ कई तरह के कार्य कर रही है, जो लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है, जिससे प्रेरित होकर काफी संख्या में लोगों ने हमारे संस्था से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। संस्था को सामाजिक प्रतिबद्ध एवं सहृदय लोगों की जरूरत है। संस्था को आगे बहुत बड़े दीर्घकालीन कार्य करने की योजना है, इसी उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन रखा गया। शादी विवाह के मौसम की वजह से सभी लोग नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आगे की बैठक में जुड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। आज 10 लोग संस्था से जुड़े, इसमें शहर के मशहूर गायक त्रिलोक प्रदर्शी, LIC के पूर्व अधिकारी सतीश कुमार के अलावा डॉक्टर अक्षदीप कुमार, अंकित यादव, राकेश यादव, शिवराज, ऋषिकेश कुमार, अमित कुमार सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार, संजीव सिंह संस्था से जुड़े। जीवन जागृति के सदस्यों ने नए सदस्यों को पुष्प गुच्छ देकर संस्था में स्वागत किया। त्रिलोक प्रदर्शी ने कहा कि वो काफी दिनों से संस्था के सराहनीय कार्य को देख रहे थे, उन्हें काफी अच्छा लगा, इसी कारण आज संस्था से जुड़ गए, अब इस संस्था के साथ जुड़कर जनोपयोगी कार्य करेंगे। वहीं सतीश ने कहा कि भागलपुर की 99% जनता जीवन जागृति एवं डॉक्टर अजय सिंह के कार्यों को जानती है, इसके कार्यों की प्रशंसा करती है। कोयलीखुटा के अंकित यादव ने कहा कि संस्था के नेक कार्यों से जुड़ने का मन था, सौभाग्य से यह मौका मिला, हम लोग मिलकर संस्था को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सबों ने मिलकर डॉक्टर अजय सिंह को रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर चयन होने पर बूके देकर सम्मानित किया। सदस्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें याद है वो दिन जब हम लोग करीब 8 साल पहले हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था, और हम लोग ने यह सोच कर किया था कि सड़क दुर्घटना में लोग जब घायल हो जाते हैं तो लोग पुलिस के डर से या कोर्ट के चक्कर में पड़ने के चलते वो नहीं उठाते हैं। तो हम लोगों ने 5 आदमी मिलकर शुरू किया था लगभग, जो हम लोग जानते थे, उसमें सोमेश था और कुछ लोग थे, संबित था, राकेश था और हमारे बड़े भाई साहब थे। तो ये लोग ने हम लोगों ने शुरुआत किया और कम से कम अभी 250 मेंबर हमारे हैं और उसमें से बहुत सारे एक्टिव हैं। तो हम लोग ने कई क्षेत्र में फिर काम करना शुरू किया, आपदा के अलावे कृषि में भी किया। हम लोग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो हम लोग श्मशान घाट में बटेसर स्थान से लेकर मुंगेर तक में हम लोगों ने श्मशान घाट में बेंच लगा दिया। तो इस तरह से कई काम हम लोगों ने, अगरबत्ती भी बनाने का कार्य किया। और तो लेकिन हम लोग जो मुख्य काम है वो जीवन बचाने का है, जैसे कि हम लोग सड़क दुर्घटना में, जल में डूबने से, सर्पदंश में और अग्नि में हम लोग काम करते हैं और लोगों को लगातार आगाह करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं और लोगों को। तो इसके लिए सारे लोगों के लिए, यहाँ के जनता को जो हम लोगों की शुभकामना देते हैं, और साथ में हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद देते हैं कि जो लगातार हम लोगों की खबर को जनता तक पहुँचाता है और उस हम लोगों का उत्साहवर्धन करता है, और जनता इस पर हम लोगों को मनोबल बढ़ाती है और हम लोगों के साथ लोग लगातार उसके चलते जुड़ते जा रहे हैं और हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। मेरा भविष्य में उद्देश्य है किया देश का एक बड़ी संस्था, बड़ी NGO के रूप में उभरे, और जिससे कि हम लोगों को देश विदेश से फंड भी मिले और उसको हम लोग यहाँ के समाज हित में काम करें, और जो फंड भागलपुर नहीं आ पाती है उसको हम लोग लाएं। और हम जीवन जागृति मंच
जो कार्य कर रही है विगत कुछ वर्षों से, तो मैं हमेशा उन कार्यों को देखता रहा हूँ और जो भी सामाजिक कार्य इन संस्था के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और अभूतपूर्व कार्य है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई संस्था इस तरह की कार्य कर रही है, जिस तरह जैसे ट्रैफिक के मामले में मैंने देखा, या फिर देखा मैंने कि डूबते हुए को किस तरह ये लोग बचाते हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है, ये दिल को छूने वाली बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। संस्थाएँ बहुत हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, पर जीवन जागृति मंच जो है बहुत सारी दिशाओं में ये इनका वर्क हो रहा है, ये किसी एक दिशा में नहीं। मैंने कई वर्षों में देखा कि तरह तरह के कार्य इनके द्वारा हो रहा है और सभी कार्य अभूतपूर्व ऐतिहासिक हैं मेरे हिसाब से। और डॉक्टर साहब खुद इतने विद्वान आदमी हैं और इनके द्वारा ये संस्था चला जा रहा है, इतना ये समय निकाल पाते हैं जो बहुत बड़ी बात है। सो मैं इसलिए मैं जो है बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था से जुड़कर बहुत खुश हूँ। आज जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में जो हम उनके सोशल मीडिया के जरिए देख पाते थे, जब बच्चे वहाँ पे डूब रहे होते थे गंगा नदी के किनारे, तो इन्होंने देखा कि बहुत बार इन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया कि किस तरह से तैराकी करके आप गंगा नदी से ऊपर आ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने तरह तरह का योजनाएँ बनाए। इसके अलावा जब भी सड़कों पर मैंने देखा है कि जब यातायात जो समस्याएं आती है उसके लिए वह जगह जगह पे यातायात में कैसे घटना ना घटे इसके लिए लगातार ये चिंतित रहते हैं। इस तरह की जो समाज हित में इनका जो काम रहता है हमेशा जगजाहिर है, इनको देखते हुए हम लोग अंदर से बहुत प्रेरणा जगी है। अगर हमारे अध्यक्ष साहब इस तरह के काम कर सकते हैं तो हमारी भी इच्छा हुई है कि हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आएं और उनका जो हमसे बन पड़े उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहें और कार्य करते रहें। इसी सिलसिले में मैं आया और जीवन जागृति सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आदरणीय अध्यक्ष साहब का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस संस्था का जो है एक सामाजिक जो दायित्व तो होना चाहिए, समाज के प्रति जो लोगों को हेल्प होना चाहिए, हाँ इसमें काफ़ी अग्रणी है। और ख़ास करके कोरोना के पीरियड में जो जीवन जागृति सोसाइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर ए के सिंह जो इनका कंट्रीब्यूशन और जो हेल्प हुआ है वो रियली जो है अनपैरेलल है, हाँ। और वो चीज़ जो है हमको काफ़ी अट्रैक्ट किया, क्योंकि इससे बड़ा क्राइसिस अभी तक हम इस उम्र में नहीं देख पाए हैं। भगवान ने करे कि ये क्राइसिस देखने का मौका मिले, हाँ। और उसमें जो है इस संस्था का रोल जो है बहुत ही प्रशंसनीय है, इसकी जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम ही रहेगा। और ये अट्रैक्ट किया हमको, हाँ, और अट्रैक्ट करने के बाद इंस्पायर्ड भी हुए। पूर्णिया की रानी पत्रा का रहने वाला 23 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मोटरसाइकिल से वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से दूसरी ओर से आ रहे वाहन ने उसे कुचल दिया। परिवार वालों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजन काफी मातम में है, पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक शादीशुदा था, वह उसके 3 बच्चे भी हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के थाना अध्यक्ष मोहम्मद महताब खान को स्थानीय लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से विदाई दी गई। नाथनगर के मैदनी चौक पर विदाई कार्यक्रम रखा गया। स्थानीय लोगों ने मोहम्मद महताब खान के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। विदाई समारोह में थाना अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व की चर्चा की गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। भागलपुर के गनगनिया के रहने वाले नंदन ठाकुर की बोलेरो से जोरदार टक्कर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो सेंटरिंग करने वाले मजदूर थे और साइकिल से मजदूरी करने घोरघट जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी ने जोरदार धक्का मारा जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।